हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पाचन तंत्र के विकार को देखने वाले हैं, जिसमें पहला देखेंगे आंतनलिका का शोथ। आंतनलिका का शोथ जीवाणु तथा विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत का संक्रमण परजीवी जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनबॉम आदि से भी हो सकता है। दूसरा जो हम देखेंगे वो है पीलिया। पीलिया जिसे जॉइंटिस कहते हैं, इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त के वर्णकों के जमा होने के कारण पीले रंग का दिखाई देने लगता है, इसी कारण इसे पीलिया बोलते हैं। तीसरा है हमारा वमन, जिसे कहते हैं ओमिटिंग या अमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले जो बेचैनी की अनुभूति होती है उसे नोसिया कहते हैं। तीसरी है प्रवाहिका, जो कि आंत की असामान्य गति से होती है। आंत की असामान्य गति की बारंबारता और मल के अत्यधिक पतला हो जाने के कारण होती है। इसमें भोजन का अवशोषण की क्रिया घट जाती है, इसमें भोजन का अवशोषण अधिक नहीं हो पाता है। तीसरा है कठोर बद्धता, जिसे कब्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। कठोर बद्धता या कब्ज, कब्ज में वृद्धांत में मल रुक जाता है और आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है, इसे हम कब्ज के नाम से जानते हैं। अपच, अपच, अपच एंजाइम के स्राव में कमी आ जाने से या व्यग्रता, अधिक भोजन कर लेने से, मसालेदार भोजन कर लेने से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ये अक्सर देखी जाने वाली बीमारियां हैं। यदि पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, होप है आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।